तो हेलो दोस्तों, आज हमारे लैब में कुछ बच्चे आए हुए हैं जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, और वह छोटे छोटे बच्चे कुछ एम्पलीफायर बना के लाए हुए हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वह एम्पलीफायर कैसे चलता है, किस चीज से बना हुआ है, और उन एम्पलीफायर को बनाने वालों की उम्र कितनी है, और ये किस क्लास में पढ़ते हैं कि एम्पलीफायर बना बना के लाए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं सबसे पहले कंटेस्टेंट से। माय नेम इज अश्वनी शर्मा। और किस क्लास में पढ़ते हैं आप, आई स्टडी इन क्लास 5। और कितनी उम्र होगी आपकी? आई ईयर इज 12 ईयर। आप 12 ईयर ओल्ड हैं। यस, क्या बनाया आपका प्रोजेक्ट, क्या है? माय प्रोजेक्ट इज एम्पलीफायर। अच्छा, मतलब क्या क्या है इसमें कंपोनेंट्स आप यूज किए हम बताएंगे? इसमें ऑडियो बोर्ड 85603 की प्लेट यूज किए हैं। अच्छा, वो क्या है, आईसीए के आईसी ट्रांजिस्टर? आईसी आईसी बोर्ड है। अच्छा, आईसी बोर्ड है। और स्पीकर कितने इंच की है? 2 इंच 3। और बताएंगे क्या क्या चीजें और हैं? ये ऑक्स केबल तीन अच्छा, ऑक्स तार की। केबल है, तो इसको ऑपरेट करके बताएंगे, या इसको आप बैटरी से चलाते हैं कि डायरेक्ट चलाते हैं? चार्जर से अच्छा, तो आप डायरेक्ट चलाएंगे उसको, बैटरी नहीं लगाए हैं आप। नहीं। चलिए, अच्छा स्टार्ट करिए, दिखाइए हमको, लगा के देखते हैं। कुछ रख देंगे तो जंप तो इनका जो एम्पलीफायर है वो बिल्कुल वर्क कर रहा है और अच्छे तरीके से बज रहा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, दूसरे कंस्टेंट, दूसरे हमारे जो हैं बालक, उनकी तरफ चलते हैं। तो कैमरामैन स्टूडेंट इनकी तरफ घुमाइए कैमरा। तो सर आपका क्या नाम है? हेलो, माई सेल्फ रोहित मौर्या फ्रॉम क्लास 8। आई एम 13 ईयर्स ओल्ड। सी इट इट्स माई साउंड। इसे बनाने में हमने बहुत मेहनत किया है, और इसमें हमने एक ऑडियो बोर्ड 85603 प्लेट से बनाया है। अभी से हम आईसी यूज किए हैं? नहीं, आईसी का नंबर चेंज है हमारा। अच्छा। और उनके में ये भी 85603 से ही बना है, और इसमें मेरा ये जो ऑपरेट होता है ये 12.5 वोल्ट बैटरी से ऑपरेट होता है। एक नॉर्मल ऑक्स केबल लगा हुआ है इसमें, 3 इंच 5 वोल्ट का स्पीकर लगा हुआ है इसमें। अच्छा, यहाँ से ये चार्ज हो सकता है, और यहाँ से इसका ऑन ऑफ करने के लिए स्विच है। अच्छा, तो आप इसको ऑन करके दिखाइए। हाँ, दिखा सकते हैं जरूर। जी जी तो ये भी इनका जो है बिल्कुल 100% वर्क कर रहा है। और ये दूसरी चीज क्या है सर आपके पास? ये एक और साउंड है। ये CD 6283 प्लेट से बनी हुई है, आईसी बोर्ड से। अच्छा, ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है। अच्छा, और इसमें चाहे तो आप 4 इंची 8 इंची तक भी स्पीकर लगा सकते हैं। अच्छा, स्पीकर कहते हैं उसे। यस, स्पीकर। इसको ऑपरेट करके आप दिखाएंगे आपको? हाँ, दिखा रहे हैं। ये इस बड़ी वाली बैटरी चलती है? हाँ, 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, कितने एम्पियर की होगी? 7 एम्पियर। 7 एम्पियर की है। चलिए ठीक। ये भी चल रही है सर की 12 वोल्ट वाली, और काफी तेज बज रही है। तो आप सबको, या आपको आइडिया कैसा है आप इसको बनाने का, कुछ बताएंगे इसके बारे में? ऐसे ही हमें किसी के पास था, कि मेरे पास नहीं था, तो हमने इसे बनाया। अच्छा। खरीदने में ये काफी कॉस्टली हो रहा था। अच्छा अच्छा कितना कॉस्ट आया बनाने में, बता सकते हैं? बनाने में 100 रुपए का लमसम आया। अच्छा, ये इसका 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 100 रुपया, और इस वाले का? इसका 150 रुपए का लमसम। अच्छा, छोटे वाले का महंगा आ गया। छोटा, अच्छा ठीक है। और इनके पास थोड़ा कैमरा हम लोग घुमाते हैं और जानते हैं आपका कितना कॉस्ट है, आप बताएंगे? मेरा ये प्लेट 40 रुपया और स्पीकर 50 रुपया, मेरा 200 रुपया लगता है। आपका टोटल कॉस्ट 200 रुपया हो गया। चलिए फिर भी ठीक है, आप लोग जिस स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं अभी वहां पे आपको इन चीजों के बारे में पढ़ना तो नहीं है, लेकिन आप लोगों ने बना दिया जो कि बहुत ही
अचीवमेंट है आप सभी लोगों के लिए आपकी उम्र में। हम तो इस उम्र में भाई आईटी जो आईसी होती है उसके बारे में जानते ही नहीं थे, तो बनाएंगे कैसे। तो चलिए आप लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। ये एलडीआर है, आप इसके बारे में जानिएगा कि ये क्या है, कैसे काम करता है, दोनों लोग, ठीक है। तो आप इसके इससे रिलेटेड आप कुछ बना के हमारे पास वापस लाइएगा, ठीक है। तो ये एलडीआर एक इनके लिए, इधर आइए कैमरामैन, ये लीजिए सर एक एलडीआर आपके लिए। तो आप लोग क्या करिएगा, इस एलडीआर से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाइएगा। आप पहले जाइएगा गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि इस एलडीआर से करते क्या है, क्या होता है, ठीक है। इसका नाम एलडीआर है, मैंने इस पे लिख दिया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है और ये आप लोगों के लिए बिल्कुल सही। आप इसको बना के अपने स्कूल में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप स्कूल में ले जाएंगे तो वहां पे वाह वाह होगी, लेकिन ये इससे जो प्रोजेक्ट आप बनाएंगे ना उससे और वाह वाह होगी। आप इसके बारे में जानिएगा, ठीक है। और नंबर भी आपको इससे अच्छे मिलेंगे आपके स्कूल में। तो ये तो थे रोहित मौर्या और अश्वनी शर्मा जो प्रोजेक्ट बना के लाए हैं। अगर आप भी कुछ बना के लाते हैं तो हम आपके प्रोजेक्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे और आपको कुछ प्रेजेंट भी मिलेगा।